तो पावर बीआई में हम एक डैशबोर्ड, एक क्विक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गेट डेटा पे, और यहां से हम अपनी एक्सेल फाइल पे आते हैं। सबसे पहले डेटा को कनेक्ट करना होगा, तो डेटा यहाँ पे हंड्रेड ऑफ डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, जो जो डेटा अलग अलग डेटा बेसिस है, जो डेटा बेसिस आपके लिए है उससे आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक डेटा को कनेक्ट कर लिया। तो पावर बीआई में क्या है कि अपना खुद का इसका डेटाबेस नहीं है, आपको कहीं से डेटा यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड लोड कर दिया। थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कीजिए, क्योंकि डेटा लाने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। एक्सेल पे रिपोर्ट नहीं दिखेगी, उस इस रिपोर्ट देखे ना आपको रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट को देखने के लिए, रिपोर्ट किसी को देने के लिए हम इसको कई चार कई तरीके से करते हैं। पहला होता है आपका पावर बीआई सॉफ्टवेयर, मैं आपको बताता हूँ, करके बताता हूँ लाइव, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए डेटा कनेक्ट हो गया हमारा, राइट, ये डेटा आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्सेल सीट की तरह ही डेटा दिखता है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है सर, एक्सेल की तरह फास्ट नहीं चलता है, ठीक है। डेटा हमने लोड कर लिया, अब इस डेटा पे ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ बनता है, अलग अलग डैशबोर्ड जितने मर्जी उतने डैशबोर्ड बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे चलिए बनाते हैं, तो सबसे पहले हम, अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें टोटल वगैरह चाहिए हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल यहाँ पे टोटल क्वान्टिटी दिख जाए, तो मैंने यहाँ पर ये लिया, विजुलाइजेशन पर क्लिक किया और अपना उठा के डाल दिया क्वान्टिटी इस तरह से, आपको यहाँ पे इसकी विजुलाइजेशन दिख जाए, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे मुझे जस्ट लिखना है, करेक्टर देना है टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में देना है अपने हिसाब से देना है, और डेटा से टोटल। तो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर कैलकुलेशन। मेजर कैलकुलेशन में मुझे यहाँ पे टोटल क्वान्टिटी या टोटल रेवेन्यू चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और यहाँ पे हमने सम लिख दिया, सम में हमने दे दिया यहाँ पे डेटा की क्वांटिटी, या फील्ड सेलेक्ट करना होता है। अब ये यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी नाम का एक फील्ड खुल कर यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें इसको क्या कहें कि टेक्स्ट बॉक्स में रखना है, टेक्स्ट बॉक्स में रखिए, या फिर मुझे इसको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाना है तो मैं इसको कार्ड में रख देता हूं, और फिर टोटल क्वांटिटी जो है यहां डाल दें, अब यहाँ से इसकी जो है फॉर्मेटिंग वगैरह की जा सकती है। अब बैकग्राउंड वाइट है तो मैं बैकग्राउंड को वाइट की जगह पे मैं यहाँ पे ब्लू करना चाहता हूँ, और डेटा लेवल ब्लैक की जगह पे वाइट करना चाहता हूँ, हो गया। उसके बाद यहां पे हम एक और लेते हैं, एक और मेजर यहां पे क्लियर कर सकते हैं, अनुप जी है ना आप, तो इस तरह की ग्राफिक्स वगैरह यहाँ बना सकते हैं, थोड़ा सा है लेकिन इजीली हो जाता है। अब देखिए ना एक रिपोर्ट को मैं कितना जल्दी बना रहा हूँ, आपको दिख जाएगा।
देख रहे हैं सर, यहाँ पे बता जाता है कि पूरा साइज में है नहीं, पूरा स्केल आ जाता है ताकि ऊंचा नीचा ना हो। ये चीज़ें आराम से आप यहाँ देख सकते हैं इसको, ये चीज़ें एक्सेल में नहीं होती है सर। यहाँ फॉर्मेटिंग है अपने हिसाब से, जो फॉर्मेटिंग से इसकी बैकग्राउंड जो है ऑन है, इसकी बैकग्राउंड की कलर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ या कोई और कलर कर देता हूँ। मोर कलर में भी है, यहाँ पे अपने आप से कलर दे सकते हैं, ग्रीन ले लिया हमने। और इसको डेटा लेवल को वाइट करके दिखता हूँ, ठीक है। साइज बढ़ाना है, घटाना है, घटा बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। हो गए, यहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए तो टाइटल ऐड कर देता हूँ। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आखिर रिपोर्ट बनती कैसे है, ठीक है ना। बाकी जो मैं पढ़ाऊँगा तो साथ बताऊँगा। सेल्स रिपोर्ट इसको सेलेक्ट किया, इसके साइज को बढ़ा देता हूँ। अंडरलाइन उसके बाद सिंपल सा, मैं यहाँ पे बार चार्ट चाहिए हमें, और इसमें मैं चाहता हूँ रखना मंथली, और मंथली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, इतनी क्वांटिटी भी। उसके बाद यहाँ पे हमें रखते हैं, और मुझे यहाँ पे जो है नेम वाइज रेवेन्यू चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से पाई चार्ट लेता हूँ, और इस पाई चार्ट में हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, नहीं प्रोडक्ट वाइज है, और यहाँ पे एक साइट होगा हमारा, हाँ साइट वाइज टोटल क्वांटिटी देते हैं, ये साइज कितना है पता चल जाएगा। उसके बाद फिर वापस हम यहाँ पे इसमें हम जो है एक सेल्स ये होता है टाइप सेल्स मोड, हाँ सेल्स मोड, इसमें कितने ऑर्डर आए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि सेल्स मोड पे ही काउंट कर लेते हैं। ओके सेल्स मोड, सेल्स मोड डिटेल्स में वैल्यू में उठा के पिवट की तरह रख सकते हैं आराम से, आ गया, चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको भी अच्छे कर देते हैं, ओके देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है रिपोर्ट। यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट हम देते हैं, इसमें हम देते हैं मंथ, मंथ में हम देते हैं क्वांटिटी वैल्यू, ठीक है। वाटरफॉल आ गया कि किस महीने कितना बढ़ा घटा है, वो हिसाब यहाँ दिखा दिया। इसी तरह से फुनल चार्ट भी लगाना चाहते हैं, यहाँ फुनल चार्ट लगा देते हैं, इसमें क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट, तो किस प्रोडक्ट का क्या सेल रेशियो है आराम से लिख जाता है। और यहाँ पे लास्ट में हम मैप ले लेते हैं, मैप
और मैप से मैं पता कर लूँगा कि किस सिटी में हमने कितना सेल किया है। तो सिटी एंड क्वांटिटी, आगे ये सही है। ठीक है सर, अब ये रिपोर्ट हमारा फाइनली हो गया। अब मुझे इस रिपोर्ट को, ये तो रिपोर्ट हुआ है, बट क्या है कि ये रिपोर्ट जो है हमारा ओवरऑल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओवरऑल रिपोर्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट वाइज, नेम वाइज, मंथ वाइज रिपोर्ट आपको सारा दिख रहा है। अब मुझे इसमें क्या है कि रिपोर्ट को अपने हिसाब से देखना है, समझे, हम इसमें इसको सेल्स मोड के हिसाब से देखना चाहते कि भाई कैश में कितना सेल हुआ, रेफरेंस में कितना हुआ, वगैरह वगैरह, मैंने फिल्टर कर चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक स्लाइसर का ऑप्शन आता है, यहाँ स्लाइसर, यहाँ स्लाइसर को लिया और यहाँ हम यहाँ रखेंगे इसको, अभी ड्रॉप डाउन कर देते हैं, इसमें हमने अपना सेल्स मोड को डाल दिया तो लिस्ट आ जाएगा। एक मिनट, गलत सिलेक्ट हो गया, एक नहीं नहीं कंट्रोल जेड करते हैं, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बेसिकली ये ओवर है, हाँ यहाँ रखते हैं सेल्स मोड, यहाँ वहां पर नहीं हुआ, यहाँ कर देते हैं इसको, इसको यहाँ से जो हम ड्रॉप डाउन करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है सर, अब मैं यहाँ से ऑल है और मैं सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सेल, कि डायरेक्ट सेल क्या हुआ, तो डायरेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा पूरा रिपोर्ट डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। हो गया सर, अब रिपोर्ट मेरा, हाँ अब मेरा रिपोर्ट बन चुका है, अब मुझे इसको शेयर करना है। तो जैसे बताया ना, शेयर के लिए आप यहाँ एक्सपोर्ट पर जाएंगे तो इसको PDF फॉर्मेट में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसको PDF फॉर्मेट में आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन PDF फॉर्मेट में जो ये है ड्रॉप डाउन वगैरह है और बाकी चीजें है, वो सब काम तो करेगा नहीं क्या सर? तो दूसरा तरीका है कि उसके दूसरे तरीके के लिए आप इस फाइल को भेज दे सेव करके, मेमोरी जो भेजते हैं, या पहले इस फाइल को यहां से पब्लिश करें। पब्लिश करने के लिए फाइल को सेव करना पड़ता है, DS नाम से सेव कर देते हैं। अभी ये क्या हुआ कि ये फाइल पूरी तरह से मेरा ऑनलाइन मेरे वेबसाइट वर्क प्लेस में पावर बीआई की पोर्टल पे, जो पावर बीआई का पोर्टल होता है ना, उसमें सेव हो गया, ये पब्लिश हो रहा है, अपलोड हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस पे क्लिक करूँगा या फिर डायरेक्ट powerbi.com पे जाऊंगा और वहां भी जाके मैं अपना लॉगिन करूंगा पावर बी आई के, साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं आप कौन सा लाइन, kumar@iptindia.com, kumar@ipt
बहुत दिन बाद लॉगिन कर रहा ना सर, वो लॉग आउट, एक मिनट, इसकी पासवर्ड क्या होना चाहिए? सेव होगा पासवर्ड बराबर, मैं इसको क्रोम में ओपन करता हूँ, क्रोम में पासवर्ड सेव है। करेक्ट, लग रहा है पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, क्योंकि मैं सर कोविड का से 1 महीना रेस्ट पे था ना, तो ये एक्सपायर हो गया, तो इसको रिकवर करना होगा। तो रिकवर करने के बाद इसको इजीली यहाँ पे हम ला ले जा सकते हैं, ठीक है? तो पासवर्ड रिकवर करने के बाद दे सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बेबलिंक मिल जाता है, और उसमें आप उसको पीपीटी में शेयर कर सकते हैं। तो कई सारे मीडियम वहाँ पे आपको मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वेब वर्जन में आपको लिमिटेड वर्ज ही मिलता है। अगर आपको उसमें ज़्यादा एक्सेस चाहिए तो आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन इसका वेब एक्सेस चाहिए, क्लाउड चाहिए आपको, तो फिर आपको उसके लिए पे करना। नहीं, सीखने के लिए पे नहीं करना, तो